मुंबई जैसे उपनगर इलाके में जहां एक तरफ पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, वहीं जब पति ही हैवान बनता है तो मामला कहीं ना कहीं गंभीर नज़र आता है। एक आज हम न्यूज़ स्प्लैश पर ऐसी कहानी के साथ मौजूद है जहां पर एक पीड़िता अपने पति के जुल्म की कहानी आज खुद अपनी जुबानी बताएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफरीन। आफरीन, आपने मानपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया, पूरा मामला क्या था, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। ये मैं 2015 में मेरी शादी हुई थी, जब मैं जाकिर नगर में रहने को थी, तो वहाँ से फिर अभी मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई साटे नगर में। शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे मेरा वीडियो वगैरह बनाया उसने। किस तरह का वीडियो? मतलब मेरा मतलब ऐसा वीडियो बनाया, गंदा वायरल वीडियो बनाया, तो उस कारण से मैं केस देनार चौकी में दौड़ी। देनार चौकी वाले कुछ एक्शन नहीं लिया, फिर लल्लू भाई वाले एक्शन लिया, तो उधर पे मेरा कल जाके FIR बना। तो FIR जो बना किस बुनियाद पे बना था? आप दोनों की शादी हुई थी, आप दोनों रिलेशन में थे, शादी। हाँ, मेरे को गलत काम करने बोलता था, मेरा वीडियोस मुझे दिखाता था, बोलता था ये मैं वायरल कर दूंगा, दूसरे लड़के लोग के साथ नहीं जाएगी तो मैं वायरल कर दूंगा, दोस्त लोग के साथ एकदम मुझे भेजता था, 2-3 बार लेके जाके छोड़ा है मुझे। मतलब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जो प्रोस्टिट्यूशन का जो काम है उसके लिए फोर्स किया था? हाँ। तो क्यों ऐसा करता था, क्यों? निजी कारण था या पैसों का मामला था? पैसे का मामला था। पहले मैंने जॉब की, जॉब 5,000 तक सिस्टर का जॉब करती थी, 5,000 तक कमाती थी तो उसको देती थी, तभी भी वो कर नहीं पाया। फिर उसके बाद मैं उसने बोलता था ये पैसा मुझे अभी इतना नहीं, कम पड़ रहा है, तू दूसरे काम पे जा, मेरे दोस्त लोग के साथ जा, 1-2 घंटे तक लग जा। तो मुझे लेके जाके 2-3 बार मुझे लेके जाके छोड़ा उसने, छेड़ा नगर में लेके जाके छोड़ता था। तो पैसे को क्या करता था, जो पैसे आपसे लेता था वो अपने पीछे ही खर्चा करता था, जो करता था अपने पीछे। किसी तरह के वो नशे का आदी था? हाँ, नशा करता था। क्या नशा करता था? वो बियर वगैरह पीता था, बटन वगैरह डाल के। अच्छा, बियर दारू के अंदर वो बटन की गोलियां डाल के? हाँ, वो पीता था। और उसके अलावा कभी ऐसा मारपीट का मामला सामने आया? हाँ, मुझे मारते ही रहता था, जब कुछ मैटर होता था घर में, मेरी मम्मी के उधर कहाँ पे जाओ तो मुझे मारता पीटता था। कभी पुलिस स्टेशन में आपने फरियाद दी है? किस तरह की मानपुर पुलिस स्टेशन ने आपको कॉपरेशन किया? मैं मानपुर चौकी में DCP के पास गई, ECP के पास गई, वहाँ से मुझे देना चौकी भेजे, देना चौकी से फिर मुझे उधर भेजे, लल्लू भाई में बोले मैं FIR ले गए, वो लोग ने सुबह 10 बजे बुलाया, FIR लिए मेरा। FIR लेने के बाद किस तरह का, जो आपके हस्बैंड थे उसको गिरफ्तार किया? हाँ, गिरफ्तार किया। और कितने लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए? ये अभी एक ही जन हुआ है, जिशान अहमद अब्दुल रजाक शेख, वही हुआ है। और आपके हस्बैंड का नाम क्या था? जिशान अहमद अब्दुल रजाक। और कौन कौन था इस पूरे मामले में? अख्ताबुल था, मजनू उप सोनू, 2 औरतें। किस तरह की, मतलब ये जुल्म, अगर आपने बताया कि आपके साथ में लंबे समय से जुल्म हो रहा था, किस तरह का जुल्म कर रहे थे? मतलब एकदम मेरे को एकदम मेरा वीडियो पे एकदम मुझे एकदम गिरा दिए, एकदम मुझे कपड़े पड़े अब्ताबुल फाड़ने लगे, मारने लगे, साटे नगर में आके ऐसा करने लग गए। चलिए, मुंबई उपनगर शहर से ये एक दिल को दहलाने वाली खबर है। ये जो लड़की है, हम इसका चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन ये अपनी जो कहानी है वो अपनी ज़ुबानी नहीं बता पा रही है, लेकिन ऑफ कैमरे में जो बात हमें इस लड़की ने बताई वो कहीं ना कहीं दिल को दहला देने वाली बात है कि एक पति किस तरह से अपनी पत्नी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स करता था और मजबूर करता था कि पैसों के लिए वो जाकर किसी और के साथ संबंध बनाए। वहीं इस पूरे मामले के पीछे अगर देखा जाए तो इस महिला का ऐसा कहना है कि जो इनका पति था वो नशे का आदी था, वो शराब में जो नशे की गोलियाँ था वो मिलाकर पिया करता था। वहीं मानपुर पुलिस स्टेशन ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर 376 IPC एक्ट के तहत में मामला दर्ज कर और अन्य IPC एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया है। मैं शाहरुख कयूम, न्यूज़ स्प्लैश, मुंबई।